मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले निकली किसान मुक्ति पदयात्रा को पुलिस ने पिपलिया मंडी पहुंचने से पहले रोक दिया। पिपलिया मंडी वो जगह है जहां पुलिस गोलीबारी में 5 किसान मारे गए थे। इसके बाद मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव और सांसद राजू शेट्टी समेत लगभग 300 लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। सबसे बड़ा अपराध ये किसान मजदूर विरोध का कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसान सड़क पर आए, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से। पर एमपी पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी और भारी बंदोबस्त किया गया। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के फोटो सबसे आगे लिए बूढ़ा गांव से किसान मुक्ति यात्रा शुरू हुई। इस पदयात्रा में देश भर से लगभग 130 किसान संगठन शामिल हैं। इन लोगों की प्रमुख मांग है कि देश भर में किसानों का कर्ज माफ किया जाए और उन्हें लागत की 1.5 गुना कीमत मिले। इस पदयात्रा में 7 कांवड़ भी थे, जिनमें उन किसानों के गाँव की मिट्टी थी जिनकी मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम, सांसद राजू शेट्टी, पूर्व सांसद हानन मोल्ला और सुभाषिनी अली के नेतृत्व में जब ये पदयात्रा पिपलिया मंडी पहुंची तो प्रशासन ने इन्हें रोक दिया। ये लोग पिपलिया मंडी जाकर फायरिंग में मारे गए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा करना चाहते थे और वहां पर उनका स्मारक भी बनाना चाहते थे। उपज का सही दाम नहीं, समर्थन मूल्य नहीं, चुनाव आता है तो हम कोई घोषणा पत्रों में घोषित करता है स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग। पुलिस ने सभी को एहतियातन हिरासत में लिया और फिर सभी को लगभग 10 बसों में भरकर धालोद अनाज मंडी ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को जाने की इजाजत दे दी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पहले डॉक्टर सुनीलम को रिहा किया जाए। प्रशासन ने पदयात्रा शुरू होने से एक दिन पहले डॉक्टर सुनीलम को एहतियातन गिरफ्तार किया था। ये पदयात्रा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए 18 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। शर्मिष्ठा शर्मा, गो न्यूज़।